फ्रेंड्स, आज बात करेंगे हम कॉनिक सेक्शन के सेकेंड पार्ट की। ठीक है, इसमें हम पैराबोला के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पैराबोला क्या कहता है? पैराबोला की अगर हम डेफिनेशन के साथ चलें तो द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स दैट आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट एंड फिक्स्ड लाइन। है बात करी सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आर इक्विस्टेंट फॉर फिक्स पॉइंट एंड अ फिक्स लाइन इज कॉल्ड अ पैराबोला। मतलब क्या है कि जैसे मान ली जा जाए कि ये एक फिक्स लाइन है और ये एक फिक्स पॉइंट है। ठीक है, तो ये पॉइंट इस पॉइंट की इस पॉइंट से डिस्टेंस और इस लाइन से डिस्टेंस इक्वल होगी। ऐसी कोई पॉइंट होगा ये, इसकी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है होगी ऐसी ये। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक और इस पॉइंट की यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है ऐसी, यहाँ से यहाँ तक यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है। तो ऐसे करके जब आपको एक जब आप मिलाएंगे तो आपको कुछ इस तरह का शेप मिलेगा। ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड अ पैराबोला। ठीक है, तो इसके बारे में बात करते हैं एक बार। ठीक है, थोड़ा सा अगर हम इसको अच्छे से बना लें तो कुछ इस तरह का रहा होगा। ठीक, तो यहाँ पर तो होता क्या क्या है उस बात को बात कर लेते हैं। ठीक है, जिस पॉइंट से जिस फिक्स पॉइंट से हम डिस्टेंस ले रहे थे जिस फिक्स पॉइंट से हम डिस्टेंस ले रहे थे इसको बोलते हैं फोकस। ठीक है, दिस फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। ओके, एंड दैट फिक्स स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स। और जिससे पैराबोला पास हो रहा है दैट इज कॉल्ड एक्सिस। ठीक है, और पैराबोला इंटरसेक्ट कर रहा है जिस एक्सिस को जिस पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स। ठीक है, यहां तक की बात समझ आ गई होगी आप लोगों को। ठीक है, तो अब मान लिया जाए जो यहां पर जो वर्टेक्स होगा, ठीक है, इसको अगर हम ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, तो नाउ दिस वर्टेक्स इज एट ओरिजिन। ठीक है, वर्टेक्स ओरिजिन पे है तो वर्टेक्स यहाँ पर हम ओरिजिन के साथ ही चलेंगे। ठीक है, वर्टेक्स को हम ओरिजिन मानते हुए चलेंगे। तो मान लिया जाए कि एक्स इस पॉइंट ओरिजिन से फोकस तक की डिस्टेंस अगर ए है तो इस फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? ए कॉमा 0। और ये डायरेक्ट्रिक्स यहाँ से, क्योंकि हम जानते हैं कि ये पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट एक पैराबोला पर ही पॉइंट है और यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस ए है तो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस भी सेम होगी। ठीक है, तो यहाँ पर कोई क्या देगा आपको डिस्टेंस? ये भी ए ही है लेकिन नेगेटिव साइड पे है तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? एक्स इक्वल टू माइनस ए या फिर एक्स प्लस ए इक्वल टू 0। अगर आप इक्वेशन देते हो तो ऐसे भी दे सकते। ठीक है, एक्स इक्वल टू माइनस ए या फिर एक्स प्लस ए इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। और एक और बात, इसमें अगर हम बात करें इसकी इक्वेशन की, ठीक है, इस पैराबोला की इक्वेशन की, तो ऑब्वियस है ये कोई पॉइंट पी है एक्स कॉमा वाई। ठीक है, तो यहां से यहां की डिस्टेंस और यहां से यहां तक की डिस्टेंस दोनों क्या होंगी? सेम होगी। तो हम कह सकते हैं कि पी ए इज इक्वल टू पी एफ। ठीक है, तो यहां से जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ए एक्स।
यहाँ पे इसके ओरिजिन के साथ नहीं जा रहा हूँ अभी मैं फिलहाल, क्योंकि उसका बहुत ज्यादा फायदा है नहीं आप लोगों को ओरिजिन के साथ चलते, ठीक है। वरना आप खुद भी कर सकते हैं पी ए इज इक्वल टू पी एफ लेके, ठीक है। तो ये कोई पॉइंट पी है और इस लाइन की इक्वेशन आप जानते हैं, तो यहाँ से आप बात कर सकते हैं इसकी, दोनों डिस्टेंस इक्वल दिखा देंगे। कैसे? डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट पी टू एफ रूट एक्स माइनस फंक्शन का होल स्क्वायर करके, और यहाँ से इसके दिखाने के लिए आप एक पॉइंट की किसी लाइन से डिस्टेंस वाला फॉर्मूला स्ट्रेट लाइन में जो हमने पढ़ा था वो वाला भी लगा सकते हैं, मॉड एक्स वन प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला। तो वहां से जब आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स आपको मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसके लेटर सेक्शन की। लेटर सेक्शन क्या होता है? फोकस से जाने वाली लाइन, ठीक है, जो आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होगी एक तरह से, ठीक है। मतलब ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ दोनों क्या होंगी? सेम होंगी। तो यहाँ पे लेटर रेक्टम जो होता है, अब लेटर रेक्टम को समझो कि यहाँ पर बात कर रहे थे। अब इसको समझना एक बार के लिए कि जैसे अगर हम इसको थोड़ा सा मैं आपको अगर एक्सप्लेन करूं लेटर सेक्शन को, ताकि इसे लंबे समय तक याद कर सकें आप, क्योंकि अभी इसमें कंफ्यूजन होता है, अभी और चीजें भी आएंगी, हाइपरबोल आएगा, इलिप्स आएगा, तो वहां पर भी आपको लेटर सेक्शन वाली बात आएगी, तो प्रॉब्लम ना हो। तो उसके लिए मैं आपको लेटर सेक्शन दिखा देता हूँ आता कैसे है। अब ये ए ए है यानी कि टू ए पूरा जा रहा होगा, ऑब्वियस है ये भी पूरा क्या जाएगा? टू ए जाएगा, ठीक है। ए आप यहाँ पर जानते हैं ओरिजिन से फोकस तक की डिस्टेंस है। अब ये अगर 2a है, ये कोई पॉइंट है पैराबोला पे, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 2a है, तो यहाँ से यहाँ पर तक की डिस्टेंस क्या होगी? 2a ही होगी फोकस तक की। तो और मैं कहा था ये जो पूरी लेंथ होती है ये क्या होती है? आपकी लेटर रेक्टम। तो 2a प्लस 2a, तो मैं कह सकता हूँ लेटर रेक्टम क्या होता है? 4a होता है, ठीक है। यहां तक की कोई बात दिक्कत वाली नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो बात समझ आ गई। पैराबोला हमने देखा यहाँ पर डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, वर्टेक्स क्या होता है, एक्सिस क्या होती है, फोकस क्या होता है, उसके बारे में समझा। दोबारा से अगर हम इसको रिकॉल करें तो एक प्लेन पे ऐसे पॉइंट्स का सेट, दैट ऑल पॉइंट्स, जो सभी पॉइंट्स होंगे वो इक्विडिस्टेंट होंगे फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट एंड अ फिक्स्ड लाइन, तो उनको मिला के जो यहाँ पर वो सेट बनेगा वो क्या कहलाएगा? पैराबोला। और मैं बताया यहाँ पर कि पैराबोला का जो हमने फिक्स पॉइंट की बात करी उसको क्या बोलते हैं? फोकस, एंड दैट फिक्स स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड एज डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। उसके बाद हमने अब फिर यहाँ पर बात करने की पैराबोला की इक्वेशन देखी, y स्क्वायर इक्वल टू 4x कैसे आया, उस बात की भी चर्चा करी। देन लेट अस रेक्टम। अब बात करते हैं कि पैराबोला कितने तरीके के हो सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि पैराबोला कितने तरीके से बनता है। तो सबसे पहली बात तो हमने यही करी, ठीक है। फिर एक ये बनेगा, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये बात नहीं। ठीक है, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, इसके लिए y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x, इसके लिए x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, इसके लिए समझ पा रहे होंगे आप, और x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay इसके लिए, ठीक है। वर्टेक्स तो सबके जीरो जीरो पे मिलेंगे, ओरिजिन पे ही मान के चले हम, ठीक है। ओके, अब फोकस
इसका फोकस यहां, इसका फोकस यहां मान लेते हैं, इसका फोकस यहां मान लेते हैं। अब इसके लिए अगर ये डिस्टेंस ए है तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स ए कॉमा जीरो और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो जाएगी एक्स इक्वल टू माइनस ए। ठीक है, लेट अस सेट अप द रिमेन फॉर ऑल। ओके, यहां बात करते हैं तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे माइनस ए कॉमा जीरो और इसके इक्वेशन हो जाएगी एक्स इज इक्वल टू ए। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स इज सेम। यहां बात करें तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे जीरो कॉमा ए। ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे आपके y इक्वल टू माइनस ए, सॉरी डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन ये हो जाएगी। और यहां पर इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे जीरो कॉमा माइनस ए और इस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू। ठीक है, तो ये बातें आपको इसमें याद रखनी है, तो इससे रिलेटेड आपके यहाँ पर क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो इतना आप नोट कर सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इस पर बेस्ड, जिससे आप लोगों को आसानी हो। जैसे पहला क्वेश्चन पकड़ा 11.2 का, जैसे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x। पहले तो आपको ये समझना है कि इसका पैटर्न कौन सा है। तो ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x वाला पैटर्न है। तो अगर इसके हिसाब से ले जाओ तो ये क्या हो रहा होगा, क्यों रहा होगा ऐसा, यही तो बात हो रही होगी। तो यहां पर जो a होगा वो क्या होगा 3। अब आपसे क्या क्या पूछता है, ये कहता है कि फाइनल कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस, एक्सिस ऑफ द पैराबोला, द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स एंड द लेंथ ऑफ द लेटर सेक्टर। तो भाई पहली बात तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स अगर हम दे दें, देखो फोकस के कोऑर्डिनेट्स y स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए क्या होता है, कितना होगा a कॉमा 0 मतलब 3 कॉमा 0। ठीक है, एक्सिस यहाँ पर वो आपकी क्या हो जाएगी, अगर यहाँ पर को एक्सिस क्योंकि पैराबोला यहाँ पर ऐसे बन रहा है आपका, तो ऑब्वियस है एक्सिस की इक्वेशन आप इसकी क्या दे सकते हो कि वाई इक्वल टू क्या होगा 0 होगा, ये दे सकते हो। और डायरेक्ट्रिक्स की बात करें तो डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पर क्या होता है, एक्स इक्वल टू माइनस से होता है, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस 3 या फिर एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, और अगर बात करें लेटस रेक्टम की तो लेटस रेक्टम जानते हैं क्या होता है 4a, तो 4 × 3। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको बना लेंगे। ठीक है, तो फोकस हो गया आपका 3,0, डायरेक्ट्रिक्स हो गया आपका ये, लेटस रेक्टम ये हो गया, एक्सिस हो गया आपका एक्स एक्सिस। ठीक है, y इक्वल टू 0 मतलब वही बात है, x एक्सिस भी कह सकते हैं, y इक्वल टू 0 की बात ही है, लेकिन एक्सिस पूछ रहा है तो x एक्सिस कह देना आपका ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको बना लेंगे। बाकी सारे क्वेश्चंस बीच में जो है वो ऐसे ही है, अगर कोई दिक्कत होती है तो आप उसको बता सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके फिर अगली वीडियो में इसके क्वेश्चंस को लेकर आएंगे। ओके।